कैसे हैं जी आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे आज की इस वीडियो में मैं, मैं आपके लिए सिल्क के दुपट्टे पर हम किस तरह से इनविजिबल तरीके से जो है वो पलटा लगाकर किस तरह से हम लेस जो है वो लगा सकते हैं ये वीडियो उससे रिलेटेड है बहुत ज्यादा इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सिल्क के दुपट्टे जो है वो ट्रेंडिंग में है उनके ऊपर जो लेस है या फिर पलटा है वो हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो मुझे काफ़ी इंस्टा पर और यूट्यूब पर आप सबके कमेंट्स आए तो मैं सिल्क के दुपट्टे के ऊपर लेस लगाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ तो ये देखिए इस तरह से मैंने बाजार से ही बनी बनाई इस तरह से ये देखिए पलटा जो है वो ले लिया है इसको पाइपिंग भी बोलते हैं तो यहां पर ये लेस जो है वो इस तरह से मैंने ली है जैसे साथ इसकी ज्वाइंट लेस होती है ना ये बिल्कुल उसी तरीके से है तो ये मैं इसी तरीके से लगाऊंगी यानी कि ये नॉर्मली ऐसे होता है काफी मैंने भी दुपट्टों पर इसी तरह से लगाई है कि जिसके साथ अगर इस तरह से जाली सी होती है ना तो मैं पलटे के अंदर दे देती हूं लेकिन अभी मैं इस तरह से नहीं करने वाली क्योंकि काफी ब्रांड्स के दुपट्टे के ऊपर जो है इसी तरीके से लेस जो है वो लग रही है आजकल बहुत ज्यादा इन है ट्रेंडिंग में है तो मैं भी इसी तरीके से जो है वो लगाने वाली हूं तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें और कॉमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोज़ जो है वो मेरी कैसी लगती हैं अब ये देखिए सिल्क का दुपट्टा है थोड़ा सा हैंडल करना ट्रिकी होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया है बार बार नीचे गिर रहा था तो मैंने इसके ऊपर एक साइड पर जो थी सीजर रख दी तो मैं अब यहां पर ये जो है ये 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 देखें देखें मैंने सीधी ली है है ये ये वाली उल्टी साइड है, यहां पर दुपट्टा बार बार गिर रहा था सिल्क का दुपट्टा है तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ये मैं पहले बता रही हूं तो यहां पर ये देखें लेस को मैंने इस तरह से मशीन के पाओं के नीचे सेट कर दिया है दुपट्टा सीधा रखा है लेस जो है वो ये देखें उल्टी रखी हुई है और जो इसके ऊपर पलटा मैंने लगाया है वो मैंने सीधा लगाया है दोबारा बता रही हूं दुपट्टा बिल्कुल सीधा है सीधी साइड हमने रखी है लेस उसके ऊपर हमने उल्टी करके रख दी है और जो उसके ऊपर हमने पलटा लगाया है वो हमने सीधा करके लगाया है दुपट्टा और पलटा दोनों सीधे हैं लेस हमने उल्टी रखी है तो बस ये है कि किनारी किनारी से हमने सिलाई लगानी है थोड़ा थोड़ा सा उसका जो हिस्सा है वो हमने इस तरह से अंदर उसके दबाते जाना है और ऊपर से स्टिच करते जाना है यहां से एक और आपको टिप मैं बता दू कि यहां पर टांका आपने छोटा नहीं रखना आपने चार से पांच के दरमियान टांका रखना है क्योंकि नलकी हमने उसी कलर की ली हुई है जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही तो बड़ा टांका लेने से पता क्या फायदा होगा उससे फायदा यह होगा कि आपका जो टांका है ना वो जल्दी जल्दी से लगता जाएगा और मशीन जो है वो लेस से नीचे नहीं उतरेगी कभी भी तो इस बात का आप अगर ख्याल रखेंगे कि आप भी टांका अगर बड़ा रखती है ना तो सफाई भी आएगी काम में और जल्दी जल्दी से होता भी जाएगा और कहीं पर भी ये है कि मशीन जो आपकी लेस है उससे मशीन का पाँव नीचे नहीं उतरेगा अगर आप ये सोच रही हैं कि आपका टांका बाद में खुल जाएगा या खराब हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कहीं नहीं जाएगा आपका धागा अब यहां पर मैं कॉर्नर पे आ गई हूं जो उसके पल्लों वाली साइड होती है ना वहां पर अब यहां पर लेस को हमने कट नहीं करना ये देखिए धागा मैंने काट लिया है अब हमने क्या करना है कि ये देखिए इस तरह से लेस को हमने पलट लेना है अब यहां पर हमने कॉर्नर बनाना है ये कॉर्नर वाली जगह आ गई है इसको ये देखिए इस तरह से मैं सेट कर रही हूं हाथ की मदद से तो ये देखिए दोबारा से दिखा रही अगर आप चाहें तो आप यहां पर आयरन भी कर सकती हैं ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो तो यहां पर ये देखिए इस तरह से हमने कॉर्नर बनाने के लिए लेस को इस तरह से मोड़ लेना है जब आप लेस को इस तरह से मोड़ेंगी साथ ही पलटा भी इसका आ जाएगा साथ ही पलटा भी इसके मुड़ जाएगा तो यहां पर दोबारा से धागे को सेट करेंगे डबल स्टिच करेंगे डबल स्टिच करने के बाद हमने नॉर्मली जैसे हम स्टिच करते हैं ना वैसे ही हमने इसको स्टिच करते जाना है ये देखिए इस तरीके से एक और चीज यहां पर आपको बताती चलू ना तो आपने धागे आपने सॉरी लेस को खेचना है ना आपने दुपट्टे को खेचना है ना आपने पलटे को खेचना है जैसे एज इट इज चीजें आ रही हैं वैसे ही उसको आने दें बस ऊपर से आपने गुजरते जाना है मशीन को ऊपर से गुजारते जाना है जैसे अगर आप लेस को खींचेंगी या फिर पलटे को खींचेंगी या फिर नीचे से दुपट्टे को खींचेंगी तो उससे पता क्या होगा कि खिंचाव आएगा आपके दुपट्टे में चुनर से बनेंगे जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं बाद में वो किसी तरीके से हैंडल नहीं होते बस ये एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बता रही हूं ये देखिए दोबारा से कॉर्नर आ गया दोबारा से इसको पलटेंगे साथ ही जो इसका पलटा है वो भी पलट कर आ जाएगा डबल स्टिच करते हुए दोबारा से इसको कंटिन्यू करें बस यही एक चीज है और एक और चीज जैसे दुपट्टे के साइड पर बॉर्डर सा होता है ना बॉर्डर तो नहीं कह सकते वो थोड़ा सा खिंचाव वाला कपड़ा होता है अगर वो हो तो आपने उसको कट कर देना है थोड़ा थोड़ा सा उससे क्या होता है कि खिचाव होता है दुपट्टे में अब ये कॉर्नर में आपको दिखा रही हूं यहां पर हमने क्योंकि तुरपाई करनी है हैंड स्टिच इसको करना है नीचे वाली साइड तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि लेस थोड़ी सी चौड़ी थी उसके साथ जो थी जॉइंट लेस भी थी अटैच तो कॉर्नर नहीं ठीक से बन रहा था हमने क्या करना है कि ये जो फ्लावर्स है ना आपस में जॉइंट इनको सेपरेट कर देना है जब आप सेपरेट कर देंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से इसका कॉर्नर जो है वो बन जाएगा सारे फ्लावर्स को वन बाय वन आराम आराम से आपने कोई धागा कट कर नहीं करना बस ये कि फ्लावर्स को कट कर दें तो ये देखिए कितना अच्छे से कॉर्नर बन गया अब हमने इसको तुरपाई करने से पहले इसको अच्छे से आयरन करना है तो हल्का सा मैं पानी लगा रही हूं तो यहाँ पर सिल्क का दुपट्टा है तो आपने आयरन जो है वो हल्की ही रखनी है हल्का हाथ ही रखना है इसको ज़्यादा अप नहीं करना वरना आपको दुपट्टा जो है वो जल जाएगा तो आजकल वैसे भी सारे पैसे तो दुपट्टे के ही होते हैं सिंपल ड्रेसेज आ रहे हैं साथ फैंसी दुपट्टा आ रहे हैं तो दुपट्टा ही जल गया तो फिर ड्रेस किस काम का तो इस बात का ख्याल रखा करें फॉरन से अक्सर होता है कि इतनी हीट अप होती है आयरन जल्दी से हम उसके ऊपर रख देते हैं जल्दी जल्दी में काम निपटाने के चक्करों में जिससे जल जाता है हमेशा कोशिश किया करें जब भी कपड़े आयरन करें तो सबसे पहले जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा होता है ना तो उसके ऊपर जो है वो आयरन करके देखा करें कि आपकी आयरन जो है वो कितनी हीट अप है उसके बाद जो है वो अपना ड्रेस के ऊपर आप इसको रखा करें अच्छा एक और चीज़ यहां पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस आयरन से रिलेटेड कि आपने ये आयरन जो है वो कितने में ली है कहाँ से ली है प्लीज उसका व्यू दे तो इसका मैं रिव्यू आपको क्या दूं मुझे नहीं पता ये कितने की आई है मेरे भाई ने मुझे दी थी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसने ही मुझे लेके दी है उसने ही मुझे गिफ्ट की है कि वीडियोस में यूज किया करो अच्छी आयरन है उसने न्यू ली थी मुझे दे दी तो इसलिए मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या है तो लेकिन हाँ मैं पूछ कर जरूर बताऊंगी आप सबको कि इसकी प्राइस क्या है अभी मैंने देखा तो मुझे याद आ गया मैंने सोचा आपको इसका भी रिप्लाई कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे अब ये देखिए इस तरह से कॉर्नर क्योंकि नीचे ऑलरेडी बने हुए हैं तो बस इसी तरीके से आपने इसकी तुरपाई जो है वह कर देनी है टांका आपने छोटे से छोटा रखना है ताकि जो इसकी सीधी साइड है ना वहां से बिल्कुल भी नजर ना आए अब यहां पर कॉर्नर से दोबारा दूसरी साइड पर जाएंगे अब धागा यहां पर क्योंकि नीचे वाली साइड इसकी क्योंकि पिंक सी है तो इस वजह से मैंने पिंक ही लिया है पलटा हमने पर्पल लगाया है पर्पल से डार्क पर्पल कलर है तो इस वजह से वो तुरपाई नजर तो आनी है लेकिन ये है कि सीधी साइड से तो नहीं आ रही ना नजर तो इस हिसाब से ही हमने जो है वो धागा लेना है छोटे छोटे से टांके उठाएंगे तो इसी तरीके से हमने इसके ऊपर जो है वो सारी तुरपाई कर लेनी है बहुत ही नीट कहीं से भी आपको कोई बल नहीं नजर आएगा यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप लेस और पलटा एक ही सिलाई में स्टिच करेंगी ना तो कभी भी आपके दुपट्टे में खिंचाव नहीं आएगा बल नहीं पड़ेंगे अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि पहले लेस लगा लेते हैं बाद में पलटा लगाते हैं जिसकी वजह से बहुत इश्यू बन जाते हैं तो यहां पर हमारा जो डिजाइन है दुपट्टे का कंप्लीट हो गया है बहुत खूब के साथ जो है वो सिल्क के दुपट्टे के ऊपर हमने पलटा लगाना सीखा है आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करें और कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा कर करें मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज